हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो आज मैंने पहना है मेरा लहरिया, ये मैंने नया सिलवाया है और ये मैंने ऑनलाइन ही लिया था। अगर आप पूछोगे तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। तो और ये कोई प्रमोशनल नहीं है, खुद खरीद के मैंने सिलवाया अपने लिए। मुझे मेरे पास रेड कलर का ऐसा मतलब जोड़ तो है लहरिए का, बट पूरा बेस नहीं था। तो अभी मैं, गौतम और परी जा रहे हैं मामीसा के, जो गौतम के मामोसा हैं उनके वहाँ जाने, क्योंकि बहुत दिन से मैं गई नहीं हूँ। और मतलब वो मामोसा ना मुझे इतना लाड करते हैं ना, मामोसा भी दोनों ही बहुत ज़्यादा, और मेरा भी ना बहुत ज़्यादा मन भी है उनमें, सही बताऊँ तो काफ़ी दिन हो गया था उनके घर गए हुए। मामी सब बोल रहे थे तो आती नहीं है, तो जॉब की वजह से जाना ही नहीं हो पाता, आप लोग पता ही है, थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो फाइनली मैंने सोचा आज चलते हैं। पहले हमारा था कि हम गोविंद देव जी जाएंगे, बट इस टाइम गोविंद देव जी जाना शाम को, अभी टाइम 6:30 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, गाड़ी से तो आप जा ही नहीं सकते। तो हम लोग जा रहे हैं मामोसा के घर पे। Hey guys, तो मामोसा घर से तो आ गए वापस, अब खाना वाना बनाते हैं, देखते हैं क्या सब्जी है फ्रिज में और खाना बनाते हैं। ये परी ने पीछे मट्टी छोड़ रखी है, ये ऐसे ही करती है, मम्मा ये खाना है, मम्मा वो खाना है, थोड़ा सा खाती है, छोड़ देती है, फिर थोड़ी देर बाद वापस खाती है। पूरे दिन इसकी मशीन चलती है खाने की। तो खाना वाना बनाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं साथ में। तो आप बताइए मेरे को, एक तो ना मैं सोच रही हूँ Q&A कर लेते हैं। Q&A किस लिए बोल रही हूँ मैं, काफ़ी दिन हो गए Q&A नहीं करा है। क्या क्या रखा है, शिमला मिर्च भी बना सकते हैं, टिंडे रखे हैं, बैंगन रखे हैं और ये हरी मिर्च। हमारे स्कूल में ना बच्चा है मेरी क्लास में, उन लोगों के हरे मिर्च टमाटर वगैरह बोते हैं खेतों में, तो वो लेके आया था कि मैं आपके लिए हरी मिर्च लाया हूँ। कि हाँ परी, क्या हुआ, वेट आ रही हूँ, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो आप, क्यों ये मिर्च दादी से को दोगे, क्या बोलोगे, मम्मा ने बोला है दादी सा इसको कट कर दो, ठीक है, क्या बोलोगे, मुंह नहीं लगाते, क्या बोलोगे, बोला दादी सा इसको कट कर दो, ठीक है, जाओ सब्जी बना लेती हूँ मैं। मम्मी जब तक हरी मिर्च कट कर देंगे, इनको भी छोंक लेंगे, बच्चे बड़े प्यार से लेके आए थे। और ये हमारे घर में डल रही है टाइल्स ऊपर छत पे, मतलब घर के अंदर नहीं, छत पे, क्या बारिश का, क्या है ना बारिश का मौसम है तो पानी भर जाता है छत पे और फिर पूरी फोर सीलिंग में ना सीलन आ जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ऊपर टाइल्स लग रही हैं, छत पे टाइल नहीं थी, सीमेंटेड फर्श था। तो बनाते हैं खाना, क्या देख रही थी मैं, भूल गई क्या बना रही थी, परिया के सब भुलवा देती है। मैंने बना दिया ये फ्राइम्स, तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें से निकालेंगे आधा। तो ये परी खाती है बहुत चाव से, उसे अच्छे लगते हैं। आजकल ना बच्चों को ये फ्राई हुए, मतलब फ्राइम्स होते हैं, तले हुए चिप्स हो गए, पापड़ हो गए, खाने नहीं दिए जाते हैं कि नहीं सही नहीं है सेहत के लिए, ऐसे वैसे। बट हमने भी तो खाए थे यार, हम तो बहुत खाते थे। मम्मी ना चिप्स के बनाती थी खुद, मेरी मम्मी घर पर बनाती थी आलू के चिप्स गर्मियों में, डब्बा भर के मम्मी फ्राई करके रख देती थी, हम रोज़ खाते थे उसमें से, तो दूध वगैरह के साथ, तो इसमें क्या, हम तो ठीक ही है ना। बट आई नो, मतलब लिमिट से बाहर नहीं खाने चाहिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो बॉडी के लिए ख़राब ही होती है। बट 6-7 दिन में मैं परी को एक बार जब सब्ज़ी बनाने वाली होती हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल डाल के फ्राई करके देती हूँ, टिश्यू पे अच्छी तरीके से ऑयल, मतलब इतना तो ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर ही लेता है कि एक्स्ट्रा नहीं जाए बच्चे के बॉडी में। तो कभी कभी बच्चों को ये चीज़ें भी खिलानी चाहिए, बॉडी को हर चीज़ की आदत होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। आप ज़्यादा ही बच्चे को नादीदा बना दोगे ना तो फिर वो आगे दिक्कत करता है, डाइजेशन में दिक्कत होने लग जाती है बच्चों के, फिर कहीं पे भी जाते हैं नाटक करते हैं, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है सब चीज़ें बच्चों को खिलानी चाहिए, लिमिट में खिलाओ कोई भी चीज़ है, क्योंकि लिमिट से बाहर हो जाएगी तो ऑब्वियसली बॉडी के लिए खराबी होगी। और एक और चीज़ बता दूँ, ये जितने फ्राइम्स हैं ना ये रवि के ससुराल से आए हैं, यानी हमारे पहल बीनी के घर से आए थे, एंगेजमेंट में बहुत सारी उन्होंने भाई इतनी सारी टोकरियाँ भेजी थी खाने पीने की चीज़ों की। तो मैं घर गई थी अभी गर्मी की छुट्टियों 5-6 दिन के लिए, आपको याद होगा, तो मम्मी ने कुछ दे दिए थे कि बेटा हमारे तो कौन ही फ्राई करके खाता है, तो बच्चे खा लेंगे। रिद्धि रुद्र के लिए वहीं रख लिए थे कि वो आएंगे तब दे देंगे उनको फ्राई करा के। बट मैं थोड़े दिन के लिए गई थी, परी पहले गई थी, परी को मम्मी ने वहाँ पर बना के खिलाए थे, तो मम्मी ने कुछ भिजवा दिए थे कि परी के लिए। तो ये आए थे हमारे रवि के ससुराल से। लाइट ऐसे अजीब सी क्यों आ रही है। तो अब रवि के ससुराल की बात हुई है,
तो बहुत सारे ना मतलब मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट भी आ रहे थे और मैसेज भी आ रहे थे, यूट्यूब पे तो इतने नहीं आए थे कि रवि की शादी आपने पक्की कर दी है क्या, मतलब डेट फाइनल कर दी है क्या, शादी तो पक्की है ऑब्वियसली, रिंग सेरेमनी हो गई है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हाँ हमने रवि की शादी की डेट निकलवा ली है और काफ़ी टाइम हो गया निकलवाए हुए, हमने आप लोग से शेयर नहीं किया और धीरे धीरे तैयारियाँ भी अब शुरू होंगी क्योंकि मैं आपको डेट नहीं बताऊँगी अभी, ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि शादी वाले दिन ही शेयर करेंगे, पहले से जब से तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी आपके साथ डेट भी शेयर करेंगे, सब चीज़ें कब क्या है, क्या क्या फंक्शंस होंगे, मतलब हम दोनों भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सीरियसली, मतलब जैसे अभी मैं बता रही हूँ तो आपको मेरे फेस पे भी खुशी नज़र आ रही होगी, इतने ज़्यादा एक्साइटेड है, बट मेरी छुट्टियों का इतना पंगा चल रहा है कि स्कूल से छुट्टियाँ कैसे मिलेंगी, कैसे सेंशन होंगी, तो उन पर भी काम चल रहा है, देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं और कितने दिन की छुट्टी लूँगी, मुझे बहुत मेरे को ऐसे था मतलब पूरे महीने की मुझे छुट्टी मिल जाती तो मज़ा आ जाता, बट ऑब्वियसली वो पॉसिबल भी नहीं है। तो हाँ रवि की शादी की डेट फाइनल हो गई है, काफ़ी दिन पहले ही हो गई थी और सब चीज़ें चल रही हैं, अभी बातचीत चल रही है क्या होना है, कैसे होना है, क्या फंक्शन होना है, सब चीज़ें आपके साथ भी शेयर करेंगे। हाँ आपको मैं एक छोटी सी मतलब क्या कहते हैं स्पॉइलर दे देती हूँ कि सर्दियों में शादी है, अब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं अक्टूबर लास्ट से, दिवाली के आसपास से शुरू हो जाती हैं, तब से लेकर मार्च तक सर्दियाँ रहती हैं, तो आप अब आइडिया लगाओ और कमेंट करके बताओ कि कब की शादी फिक्स करी होगी हमने, मंथ बताओ चलो आप, ठीक है, तो कि कौन से मंथ में हमने फाइनल की होगी, गेस करो आप, तो फिर देखते हैं किसने सही गेस किया है। अब मैं सब्जी बना लेती हूँ, लेट हो रही है। अच्छे देख के पता चल रहा होगा कि हम लोग आए हैं वाटर पार्क, परी को लेके आने जाए थे हम, और ये इतना रोई है ना पानी में, इसने वेस्ट करा दिया हमारा आना। चलो करो, मजी नहीं आई आपको पानी में? आई थी फिर रो रहे क्यों थे आप? लूंगा तो हमें यहाँ पे स्टार्टर्स वगैरह फूड वगैरह जो मिले थे हाँ वो हमने कर लिए, और पीछे आपको बादल दिख रहे होंगे बहुत तेज बादल, और क्या हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, तो थोड़ी देर और इन्जॉय करते हैं मैं और गौतम, परी को बिठा दिया चेंज करा के मैंने, फिर निकलेंगे हम भी। पूरा वाटर पार्क दिखाते हैं आपको, ये तो बच्चों का एरिया है पूरा, ये अभी बंद करा दिया हमने, परी खेल रही थी तब ऑन थे सारे, उधर वो उनका रेस्टोरेंट एरिया है, उधर बच्चों का पार्क एरिया है, फिर ये बड़ों का स्विमिंग पूल है पूरा, ये राइड्स बनी हुई हैं, ये वाली वो वाली, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ बड़ा सारा, उधर रेन डांस का है वो ग्रीन ग्रीन जो शेड दिख रही है आपको। हाँ हाँ ये ना मुझे लग रहा है गौतम राय ने मेरे लिए स्पेशली बुक कराया है, मुझे गौतम राय मेरे लिए स्पेशली बुक कराया है क्योंकि एक मतलब चिड़ी परंगा ही तो नहीं है, इनका स्टाफ है बस क्लीनिंग वाला और सारा, और बाकी हम तीनों ही हैं यहाँ पे, मैं गौतम और परी कोई भी नहीं है, क्योंकि आज ना वैसे भी थर्सडे है तो लोग वीकेंड्स पे ज़्यादा आना पसंद करते हैं ऐसी जगह, बट हम लोग आज मैंने ऑफ ले लिया था, गौतम मैंने भी ऑफ ले लिया था, ये काफ़ी दिन से बोल रही थी मम्मा लेके चलो वाटर पार्क लेके चलो और बाय, तो रोने लगे आपको क्यों नहीं दिखाएंगे आपको पूल में, अरे मुझे नहीं दिखाएगी चलो भाई साहब क्या बादल हो रखे हैं खतरनाक है ना, मौसम एक नंबर। मैं भी आती हूँ, क्या हुआ पापा? आप तुम जाओ फिल्म में जा जाए थे, नौजी पकड़ो, अच्छा नौजी नौजी पकड़ के जाओ भाई, ऐसे कह रही है डुबकी लगाओ। डुबकी लगाऊं देखना पड़ा। मैंने कर लिया है चेंज, ये हमारे लॉकर और उधर जेंट्स लॉकर है, वो तो मना गए चेंज करने, बस अब निकलेंगे हम, देखते हैं कि कॉफ़ी उफ़ी पीते हैं अच्छे से, भयंकर बारिश हो रही है यहाँ पे और रेन डांस वाले की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि रेन ऑलरेडी होने लग गई थी, परी मेरी खेल रही है, परी हाई फाई कर दो दूर से, हाई फाई
नई ट्यूब लेके रखी हुई है, वो भी घर लेके जाऊंगी, देखते हैं वापस दे देगी तो नहीं, दिन से खरीदनी पड़ेगी हमें। परी कम यार, कम यार, आपको कैसा लगा यहाँ के सीधे खड़े होके बताओ, कैसा लगा आपको सीधे खड़े हो अच्छे गुड गर्ल के जैसे, कैसा लगा आपको यहाँ वाटर पार्क में आके? अच्छा। मजा आया? हाँ। वापस आओगे? हाँ। वापस आओगे? हाँ। आओगे क्या? हाँ। ठीक है, ओके।